equilibrium constant for reaction H2 plus I2 gives to HI. तो अब गैस है इस 54.8 क्या क्या वैल्यूज दिया कैसी क्या वैल्यूज दिया इफ 0.5 मोल पर लीटर तो मोलारिटी दे दिया आसान हो गया. अब एच आई इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में इतना प्रेजेंट है. व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 H2 I2 एज्यूमिंग दैट वी इनिशियली स्टार्टेड विथ द एच आई एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम एट 700 केल्विन हर जगह भी टेम्परेचर सेम दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दे दिया और उस टाइम में जो एच आई का जो कॉन्सेंट्रेशन भी गिवेन दिया है एट इक्विलिब्रियम तो अभी देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें क्या क्या गिवेन है उसको पहले लिख देता हूं. पहले टू एच आई गिव्स एच टू प्लस आई टू के का वैल्यूज ये जो है ना टू एच आई का जो बात है उसमें पहले किसका रिएक्शन दिया था एच टू प्लस आई टू गिव्स टू एच आई इसका वैल्यूज कितना था इसमें के का वैल्यूज That was 54.8. इसमें के का वैल्यूज कितना होगा रिवर्स हो जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन इसका इसका यूज है आगे भी कर सकते हो. बिकॉज एच आई प्रेजेंट है एच आई से एच टू और आई टू बनेगा यही मेन बात है. एट इक्विलिब्रियम एच आई का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलारिटी और एच टू और आई टू ये दोनों का तो सेम ही होगा इसका एक्स होगा तो आई टू का भी एक्स ही होगा मान लिया तो एक्स हम लोग को फाइंड करना है. क्वेश्चन इज क्लियर ऋषि क्वेश्चन इज क्लियर ऋषि राहुल आदित्य श्रुति सुलग्ना क्वेश्चन अच्छा सुलग्ना तो आंसर कर ही दिया था. ओके पाखी इल्मा प्रेजेंट है अच्छा एक्स के वैल्यू फाइंड करना है अच्छा ओके समृद्धि क्वेश्चन इज क्लियर बेटा किसी ने कुछ लिखा और जल्दी चला गया पता नहीं चला. अभी देखो बेटा यहाँ पे एच आई दिया है ना तो इस तरीके से रिएक्शन को लिखना है इसका वैल्यू 54 जब रिवर्स होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है ना तो के इक्वल्स टू इस वाले रिएक्शन में इसका एक्स सॉरी बेटा एट इक्विलिब्रियम 0.5 इसका एक इसका एक्स तो के सी इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर बिकॉज के सी जो होता है एच टू का कॉन्सेंट्रेशन आई टू का कॉन्सेंट्रेशन और एच आई का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हेलो हाँ बेटा बोल अच्छा हाँ आ गया ना अच्छा अच्छा ठीक है तो सही होगा
आ गया 7.15 और 7.27, ठीक है। ओके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन दिस वन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.25 डिवाइडेड बाय 54.8। तो एक्स का वैल्यू कितना है बेटा बताइए, इतना रहेगा एक्स स्क्वायर 0.25, ये ऊपर चला जाएगा नीचे रहेगा, तो 0.25 अपॉन 54.8 कितना आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जोड़ी है 0.25 अपॉन 54.8। तो इसको कैलकुलेट कोई किया था बेटा, थोड़ा टाइम दे रहा हूं, इसको कैलकुलेशन करो। हेलो, हाँ बेटा बोल। कैलकुलेट करके, अच्छा चेक कर रहा हूँ एक मिनट। कैलकुलेशन कोई डाउट था? ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेटा, एक बार कैलकुलेशन कर लिया तो इसलिए पॉज कर दिया था। ये वाला चीज आ जाएंगे, 4 से इंटू कर देना तो 5 आ जाएगा, 5/2 इसका रूट होगा 37.01 कुछ आ जाएंगे, तो इसको डिवाइड करके 0.67 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर H2 0.067 मोलारिटी, और I2 का भी कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.067 मोलारिटी। ओके, सो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट, मतलब कैलकुलेशन तो बेटा बहुत टफ है।